नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा सीनियर मार्केटिंग मैनेजर वेद प्रकाश जी को एक जोरदार तालियों के साथ जोरदार ताली होनी चाहिए सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो मैं मुंबई की जो कोर कमेटी है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए और इन्होंने आगे बढ़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जो हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि अगर मैनेजमेंट के साथ लीडरशिप होकर खड़ी होके कंधे से कंधा मिला के काम करती है तो सफलता जल्दी हासिल हो जाती है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राइट और आज का जो इवेंट है इस इवेंट के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा यहां पर दो तरह के लोग हैं एक वो जो पहली बार इस इवेंट को देख रहे हैं सही है गलत है एक वो जो पहली बार इस इवेंट को देख रहे हैं एक दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो नए आए हैं वो एक होप लेके जा रहे हैं जो नए आए हैं वो क्या लेके जा रहे हैं वो एक होप लेके जा रहे हैं कि हमारा कल बेहतर होगा किसके साथ रिएक्शन के साथ और दूसरे जो आए हैं वो एक कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं वो एक कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं कॉन्फिडेंस क्या लेके जा रहे हैं कि हमारे साथ इतने सालों तक प्रोफेसर के एन वसुपाल और डॉक्टर रत्ना वसुपाल ने इस बिजनेस को बिल्ड किया तो लोगों को ये लगता है कि उनके बाद कौन तो यहां पे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने किनको भेजा राइट right? उन्होंने भेजा योगी जी को और रूपल जी को कि आप घबराने की जरूरत नहीं है हमारी सेकेंड जनरेशन आपके लिए तैयार हो गई है और रूपल जी ने और योगेंद्र जी ने एक और फोटो दिखाई जहां पे उन्होंने बोला कि कोई घबराने की बात नहीं है हमारे बात हमारे बच्चे तैयार हैं इस बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए राइट right? तो दोस्तों कंपनी ने नेटवर्क ने मिलकर इस साल एक बीड़ा उठाया है वो बीड़ा क्या उठाया है कि हिंदुस्तान की सेल डीएस की हम कितना लेके जाएंगे सो करोड़ राइट right? हिंदुस्तान की सेल हम सो करोड़ में लेके जाएंगे एंड दैट इज वट वी आर टॉकिंग अबाउट मिशन हंड्रेड करोड़ और जो देवकर जी ने भी यहां से बोला कि आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे हम यूपी से हम बिहार से हम झारखंड से वी आर फ्रॉम इंडिया राइट कहां से हम इंडिया से और हमें इंडिया को कहा लेके जाना है इंडिया को सबसे आगे लेके जाना है लोग बात करते हैं नंबर 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 इंडिया इंडिया लेकिन रियल में अब इंडिया को वर्ल्ड के मैप पे लेके तैयार है तैयार होंगे तो हम ये लड़ाई बहुत अच्छे से जीत लेंगे राइट बहुत सारी बातें हुई योगी जी ने बात करी रूपल जी ने बात करी और उन्होंने प्रोडक्ट को लेकर आपको एक कॉन्फिडेंस दिया राइट जिसके रियल टेस्टिमोनियल वो आपके सामने खड़े हैं जिन्होंने बताया कि हमने किस तरह से इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया और आज हम क्या है जहां पे एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं कि वो दिन बा दिन दिन बा दिन ब ब जवान होते जा रहे हैं तो आप भी जवान दिखना चाहते हैं देखिए जवान नहीं है अगर जवान होते तो आवाज में दम होता yes. कितने लोग प्रोडक्ट खाते हैं yes. सभी लोग खाते हैं तो आवाज में दम होना चाहिए मैं कहता हूं कम हो लेकिन किसी से कम नहीं हो राइट तो हमें क्या करना है प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है और जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हम कंज्यूम करेंगे तो जो रफीक जी ने यहां पे एक दिखाया था चार्ट उसमें क्या दिखाया था उसमें क्या दिखाया था पांच हजार पी की बात हो रही थी और वो पांच हजार पी अगर हम लोग घर में प्रोडक्ट को अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो पांच हजार पी हमारे घर से पूरे हो जाते हैं राइट समय मेरे पास कम था लोग कहते हैं मोटिवेशन की बात करो सर किसकी बात करो मोटिवेशन की राइट तो यहां पे क्या है मोटिव प्लस मेरे पास समय कम था मुझे पाँच मिनट का समय दिया तो मैंने कहा एक ही स्लाइड के अंदर सारा रख दिया मैंने कहा बार बार स्लाइड कौन चेंज करेगा तो हमारे मोटिव क्या होते हैं मैंने कहा यहां पे लोग आए एक उम्मीद के साथ उम्मीद क्या है जो यहां पे दिखाया था एक वीडियो दिखाई थी उसमें क्या दिखाया था कि मेगा ब्लॉक है और लोग किस तरह इंसान के ऊपर चढ़ के इंसान गाड़ी के अंदर जा रहे हैं तो हमारी उम्मीद क्या होती है इस माया नगरी में लोग क्यों आते हैं यूपी से आते हैं बिहार से आते हैं राजस्थान से आते हैं हर जगह से आते हैं किस लिए आते हैं पैसा कमाने के लिए ये सुनो तो हमारा मोटिव क्या होता है यहां पे आने का और डीएक्शन में आने का मोटिव भी क्या है पैसा कमाना और पैसे से क्या खरीदेंगे लग्जरी गाड़ी घर जो रफीक जी ने आपको दिया यहाँ पे सत्तर लाख का आप घर ले सकते हैं क्यों क्योंकि आज के समय में एक कमरे के घर से पूरा नहीं होता है दो कमरों से पूरा नहीं होता है तीन कमरों से नहीं होता क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ होते हैं एक कमरा हो गया बेटा हो गया दूसरा कमरा हो गया बेटी हो गई तीसरा कमरा हो गया और गेस्ट आ गया चौथा कमरा हो गया तो कितने बेडरूम का फ्लैट चाहिए होगा चार बेडरूम का तो उसके लिए भी पैसा चाहिए राइट फॉरेन ट्रिप जैसे बहुत सारे लोगों ने आके यहां पे बात करी आपसे मलेशिया ट्रिप की क्या आप लोग मलेशिया जाना चाहते हैं यस यस और नो और नो राइट और पैसा कमाना चाहते हैं कितना कमाना चाहते हैं कितना कमाना चाहते हैं देखिए लोग बोलते हैं बहुत सारा लेकिन कम से कम लिखना शुरू कीजिए कितना आपको चाहिए जब जॉब में जाते हो ना तो सामने वाला पूछता है कितनी सैलरी चाहिए तो आप बताते हो नहीं बताते हो कि इतनी तो दे दो तो कम से कम यहां पे हम हम लोग टारगेट लेंगे कि हमारा मंथली चेक कितने का होना चाहिए दस लाख का क्योंकि जब सोचना है तो बड़ा सोचिए राइट right. बड़ा सोचेंगे और बड़ा करेंगे अब वो बातें भूल जाइए कि पचास हजार कमाना है लाख कमाना है हमें दस लाख कमाना है शुरुआत आपकी पांच हजार से हो सकती है पांच सौ से हो सकती है लेकिन इसको दस लाख तक लेके जाना है क्योंकि मिशन हंड्रेड करोड़ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके चेक दस लाख तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे राइट right. तो ये मोटिव है हमारे जो हमें चाहिए लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर सैलरी चाहिए पगार चाहिए तो क्या करते हो जाते हो ना रोज सुबह दस से सात की नौकरी करते नहीं करते तो वो हमारा एक्शन होता है राइट तो एक्शन में हमें क्या क्या करना है बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए कभी आप रेगुलर सेशन में आएंगे तो ये एक लंबा सेशन चल सकता है लेकिन रेगुलर सेशन में आएंगे तो वहां पे आपको सीखने को मिलेगा जैसे बात की जा रही है कि डेली उठना है और काम करना है क्या करना है डेली उठना है और काम करना है यानी कि रोज भूख रोज लगती है ये सुनो उसके लिए पैसा चाहिए होता है तो पैसा आएगा कहां से आपको डेली दो से चार प्लान दिखाने हैं क्या करने है? कम से कम चार पांच लोगों से बात करो किसी से प्रोडक्ट की बात करो और किसी से बिजनेस की बात करो राइट उसके बाद में क्या दिखाया पांच हजार पीवी पांच हजार पीवी मैं यहां पे बात करना चाहूंगा हाँ ये प्रोडक्ट है रूपल जी ने भी बताया कि योगी जी लेते हैं प्रोडक्ट राइट घर में कितने लोग होते हैं आज के समय में एक फैमिली के अंदर चार लोग राइट माँ पिताजी बेटा बेटी राइट right. इसका पीवी कितना है चालीस पीवी वी चालीस को अगर तीस से गुना कितना हो गया बारह सौ राइट और अगर इसको चार से गुना कर दो तो कितना हो गया करीब अड़तालीस सौ तो पाँच हजार पी हमारा किससे हो जाता है इस कंबुचा से हो जाता है और हमारे बीच में एक्सपर्ट बैठे हैं आर आर चौहान जी राइट right. उनका सेशन सुन लेना वो बारह हजार पी तो आपके ऐसे ही करा देंगे मंथ में राइट right. और किससे करा देंगे आपके सॉल्ट से ही करा देंगे मैं कंबुचा की बात कर रहा हूं और सॉल्ट किसकी जरूरत है यहां बैठे हुए हर इंसान की जरूरत है राइट पेस मीटिंग्स आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसके ऊपर कंपनी की मीटिंग्स पे कि जब कंपनी की मीटिंग होगी तभी आपका बिजनेस चलेगा अप्लाई न आएगी तभी बिजनेस चलेगा नहीं आप अपने घर पे एक बोर्ड लगाइए घर पे एक प्रोडक्ट की डिस्प्ले लगाइए और अपने लोगों को बुलाइए और उनके साथ पेस मीटिंग शुरू कीजिए पेस मीटिंग का मतलब है प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन क्या है किसकी प्रोडक्ट की और सिस्टम की एजुकेशन देखिए बिना एजुकेशन के आप इस बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चला सकते अगर आपको लंबा जाना है तो आपको एजुकेशन की जरूरत है और वो एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी एजुकेशन कहां से स्टार्ट होगी खुद से राइट right. सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को एजुकेट करें और उस एजुकेशन से अपनी टीम को फायदा पहुंचाएं अपने घर पर एक छोटी छोटी मीटिंग करना शुरू कर दीजिए लोगों को बुलाइए और उनको बोलिए कि आप प्लान पर बात करिए स्टार एजेंट कैसे जाते हैं आप बात करिए स्पुलना पे कैसे बात करते हैं आपने स्पूल्ला खाया आपको स्कूलना कैसे लगा आपको कोम्बुचा कैसा लगा इससे क्या होता है लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो भी उस तरह से जाके मीटिंग करना शुरू करते हैं जब लोग आपके अपने आप मीटिंग शुरू करना शुरू करेंगे तो आपका समय कम लगेगा नेटवर्क में ये सुनो राइट right? इनकम ज्यादा होगी तो यह समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है डेप ड्राइव डेप ड्राइव क्या होता है किसी को पता है डेप ड्राइव का मतलब यह होता है कि आप यहां पर हैं और आपके नीचे यानी कि मान लीजिए पांचवी या छठी जनरेशन में एक शख्स है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और बीच वाले लोग काम नहीं कर रहे तो आपका रोल क्या आता है एज अ प्लाइन उसको बात करना उसके साथ काउंसलिंग करना और उसके साथ काम करना क्यों क्योंकि वो रियल हीरो है आप ये मत सोचिए कि बीच में ये दो तीन लोग आते हैं ये लोग भी तो काम करने चाहिए उसके साथ मैं क्यों करूं नहीं ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी है ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग डेप ड्राइव करें और इसके नीचे एक लिखा हुआ है मासिव एक्शन अभी हम एक्शन करते थे अभी हमें क्या करने हैं मासिव एक्शन राइट स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है बुलेट ट्रेन आ रही है ना ये सुनो यहां पे ज्यादातर लोग कौन सी ट्रेन में ट्रेवल करना पसंद करते हैं स्लो या फास्ट में क्यों फास्ट में ट्रेवल करना पसंद करते हो स्लो में क्यों नहीं करते बार बार रुकती है बिजनेस आपका कैसा हो गया अभी तो बिजनेस को फास्ट करने के लिए हमें मासिक एक्शन करने की जरूरत है और जो भी आपने गोल बनाया है उसको घर में चिपकाइए जरूर लिखिए जरूर फैमिली से बात जरूर करिए क्योंकि जब तक आप घर में अपने गोल्स को चिपकाएंगे नहीं जो आपको चाहिए वो आप उसमें लगाएंगे नहीं तब तक वो चीज़ आपके पास पॉसिबल नहीं होगी राइट मेरा सेशन होता है मैं महिलाओं से बात करता हूं जब बात करता हूं तो उनसे पूछता हूं कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो वो किसकी फ़ोटो लगाती है घर में किसकी फ़ोटो लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं ना बच्चों की अच्छे अच्छे बच्चों की फ़ोटो क्योंकि वो देखते हैं कि ये रियलिटी होगी कल राइट right. तो इसी तरह से अपने सपनों को संजो के रखिए अपने घरों के बेडरूम में चिपका के रखिए और उसके साथ में उस पर काम करना शुरू कर दीजिए तो एक्शन को मैसिव एक्शन में कंप्लीट कर दीजिए मिशन बनाइए 90 डेज के अगर आपको पचास हजार की इनकम चाहिए तो अगले 90 दिन में आपको कितना क्या करना है उस 50 में से कितनी इनकम आनी है राइट right. इस तरह से छोटे छोटे आप स्टेप्स लीजिए बेबी स्टेप्स लीजिए और इसको मैसिव एक्शन में कन्वर्ट करके एक बड़ी इनकम जनरेट करिए जहां पे आप लोगों के घर में दस दस लाख रुपए घर में आने चाहिए कितने आने चाहिए दस दस लाख रुपए घर में आने चाहिए ताकि आप वो लोकल ट्रेन छोड़ के कम से कम अपनी बी और मर्सडीज में चलना शुरू कर दें। और जाने से पहले जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा नर और नारी दोनों हैं, राइट हमारे रफीक जी की हिंदी बहुत अच्छी है राइट तो नर और नारी दोनों ही हैं लेकिन जैसे रूपल ने भी बताया और भी बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स आती है कि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा सफल कौन है सबसे ज्यादा सफल कौन है नारी राइट और जिस जो 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 अपने साथ नारी को रखता है वो सफल इंसान जरूर होता है राइट तो जितने आप देख रहे हैं ना यहां पे फ्रंट रो में बैठे हैं ये क्यों सफल है क्योंकि वो अपनी नारी को साथ में लाए हैं और जितने लोग आज अपनी वाइफ को यहाँ पे साथ में लाए हैं उनको सैल्यूट है और उनको धन्यवाद है इसी तरह से अपनी वाइफ को साथ में रखिए काम करिए और एक बड़ा काम करके ले जाइए विश ऑल द बेस्ट, गो यू सो मच थैंक यू जोरदार वेद प्रकाश सर के लिए